कैसा हो अगर हमारा मन आराम से शांति धाम परमात्मा पिता के पास आराम से टिका रहे, खेल खेल में वहीं रहे। क्यों ना हम कुछ ऐसे अभ्यास करें, क्यों ना कुछ चिंतन करें, सोचें। आपको याद है कि आप 300 वर्ष पहले मुंबई गए थे। उस दौरान मुंबई ऐसा नहीं हुआ करता था, चारों तरफ समुद्री एरिया ज़्यादा था, इतने घर नहीं बने हुए थे। आपको याद है आप चौल के पास से निकल रहे थे, आप फिसल गए थे, आप गिर गए थे। आपको याद है? याद नहीं आया? अरे आपके सर में चोट लग गई थी। नहीं, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज कबीर भाई को क्या हो गया। 300 वर्ष कल्पना कर रहे हैं, हो सकता कि आप गए हों, कौन जानता है। 300 वर्ष पहले आपने चार पांच जन्म पहले की तो बात है, बिल्कुल हो सकता है। और उस वक्त वाकई मुंबई ऐसा ही रहा होगा, बराबर। और देखो आप गए हो या ना गए हो, लेकिन हमने ये बात सुनते सुनते विजुअलाइज करना तो शुरू किया ना, बराबर। उसी तरह आज से 5000 वर्ष पहले आप शत प्रतिशत परम धाम में थे, राइट। परम धाम में थे कोई 5000 वर्ष पहले, कोई 4000 वर्ष पहले, कोई 3000 वर्ष पहले भी, यानी थे, राइट। वहाँ तो थे, 100% थे। मुंबई गए हो या ना गए हो, वहाँ ज़रूर थे। सोचें, थे वहाँ। जब हम कहते बुद्धि परम धाम नहीं जाती, हम वहाँ थे। बस सोचिए, हम वहाँ थे। जैसे आकाश में सितारे, एक सितारा उनमें आप हैं। सोचिए, मानिए कि इस शरीर में आने से पहले वो सितारा जो चमक रहा है ना, उसके बाजू में मैं चमका करता था, ऐसे ही। तो देखिए कैसे वहां पे आपकी बुद्धि टप से पहुंच जाएगी। उसी तरह परमधाम, लाल सुनहरा चमन, इतनी सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया। देखिए हमारे पिता हजारों सूर्यों से भी तेज चमकते हुए, जिनकी श्वेत रश्मियाँ चारों ओर फैली हुई, उनके चारों तरफ आत्मरूपी असंख्य सितारे टिमटिमाते हुए। खुद को देखें, उनके पास मैं भी बैठा हूँ। देखिए हम सितारे ऐसे घर है ना, ऐसे 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 झूमते एक दूसरे से के ऐसे टकराते हुए निकलते हैं। खुद को देखिए, जो आत्माएं आज आपके साथ, आपके माता पिता बहन भाई दोस्त का पार्ट बजा रही है, उन्हें भी वहाँ देखिए। और वो देखिए ऐसे आप हिलते हैं, यूँ 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 ऐसे टकरा जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। उसे फिल्मी बना दीजिए, पूरा पूरा सीन क्रिएट कीजिए, जितनी देर चाहें। आप परमधाम में टिक पाएंगे? बिलीव मी, इट इज़ वेरी ईजी। बहुत ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे। इस तरह से करके देखिए, हो सकता है ना। तो चलिए थोड़ा 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं इसके ऊपर। देखिए आप स्वयं को कि एक समय मैं आत्मा परम धाम में थी। वो लाल सुनहरे प्रकाश का चमन, और उस चमन में चमकते मेरे ज्ञान सूर्य पिता, जिनकी किरणें दूर दूर तक फैली है। मैं आत्मा उनके पास, देखें अपने मन को, बाबा अपने पिता के पास, जिनकी रश्मियां मुझ पे बरस रही हैं। देखें आसपास अनेक आत्माओं को, वो सब आत्माएं जो आज आपके साथ यहाँ पाठ में हैं। देखें उन्हें वहां, देखें सभी आत्मा अपने पिता से कैसे चिपकी हुई है। आप भी उनमें एक हैं। इस तरह जितनी देर चाहे बुद्धि परम धाम में टिकाएं,
ओम शांति।